इतना मुझे टीचिंग देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को टीचिंग दे, इसका मतलब तेरे अंदर शांति तेरी भंग कर दी है शैतान ने, तेरी शांति भंग हो गई है। जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपिट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो दोस्तों, आप बिल्कुल भी इस बात से अनजान नहीं हो सकते। आपको इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी मीडिया पर प्रोफेट बजेंद्र सिंह को लेकर के क्या चल रहा है। फिल्मी कलाकारों को बुलाना अपने चर्च में और चर्च में बुला करके मसीहत का मजाक बनाना अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है। मीडिया पर बवाल होते हुए देखकर कि जो मैंने इतने सारे एक्टर को बुलाया था, एक्ट्रेस को बुलाया था, मेरी वाहवाही होगी, उसकी जगह पर जो रायता फैल गया इस बात को लेकर के पूरे फेसबुक पर, पूरे यूट्यूब पर, अब वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। क्योंकि दोस्तों अब मसीह लोग हैं वो भी समझ चुके हैं क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको बता दूं, आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था अपने चैनल से, जिसमें आपने देखा था अंकुर नरोला जी ने, जो एक्टरों ने आकर के प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में गंद पाया, गलत डायलॉग बोले, गालियां दी और उसके पीछे हालेलुया लोग बोल रहे थे, आमीन बोल रहे थे, इन सब बातों पर एक बयान दिया था जो कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में सुनाया था। लेकिन इसके बाद जो हमारे प्रोफेट साहब हैं, इनको बहुत बुरा लग गया और उन्होंने इसी संडे ताजपुर चर्च में अपनी भड़ास को भी निकाला, बहुत सारी बातें बोली कि तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम खत्म हो जाओगे, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, प्रभु का अभिषिक्त दास हूँ, ये बातें वहाँ पर सुनाई। लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप एक प्रभु के अभिषिक्त दास हैं तो वैसे ही आपको काम भी करने चाहिए। क्यों लोग अंकुर नरोला को लेकर के बातें नहीं बनाते हैं, क्यों लोग पॉल दिनाकरन जी को लेकर के बातें नहीं बनाते हैं, क्यों लोग इवांजलिस्ट रामबाबू को लेकर के बातें नहीं बनाते हैं, उनके पास भी लाखों की भीड़ है लेकिन वो परमेश्वर के वचन को खराई से देने वाले लोग हैं। लेकिन आपने जो ये तमाशा क्रिश्चियनिटी का बनाया है ये तो सबको याद रहेगा। दोस्तों प्रोफेट बजेंद्र सिंह तो अपनी भड़ास निकाल चुके, लेकिन अंकुर नरोला जी ने जो इस संडे बात बोली है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये आपकी उन आत्मिक आंखों को खोल देगी जो कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाने के बाद आपकी बंद हो चुकी हैं। ये बातें आपको सुननी चाहिए। इन बातों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आपको भी इन बातों से सीखना चाहिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अभी जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपिट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो, बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, जो बातें, जो वर्ड्स मैंने तुमसे कहे हैं, दे आर द स्पिरिट्स, वो स्पिरिट है। जीसस के होली वर्ड स्पिरिट हैं। जब आप होली वर्ड्स को बोलते हैं, स्पिरिट आपको डिलीवर करती है, और जब आप गंदे वर्ड्स को बोलते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में एंटर करता है। लोग बोलते हैं अपनी कलीसिया का ध्यान रखो, भाई साहब मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है। अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन। ये जीसस की कलीसिया है, तुम जीसस की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा को प्रवेश नहीं करवा सकते। जीसस ने कहा जो वचन मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और जीवन है। आप ऐसे वर्ड्स को नहीं बोल सकते कि आपके सामने हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होकर चले जाएं और नरक के भागी बन जाएं, आप नहीं कर सकते। भाई साहब स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, स्वर्ग में कोई अपोस्टल प्रेरित नहीं है। जितनी यहां रिक्शे वाले की वैल्यू है उतनी ही ऊपर, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं, स्वर्ग में थोड़ी कोई रिक्शा वाला और सेलिब्रिटी है। यह तो यह बात हो गई कि अगर मुझे वैश्या को बचाना है परमेश्वर में तो मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, अगर मुझे शराबी को बचाना है तो मुझे उसे पीनी पड़ेगी। नो, मैं उसको बचा सकता हूं बिना पी और बिना सोए, अगर प्रभु की बुद्धि मुझ में है तो। खुदावन ने कहा मैं तुझे लोग दूंगा, इंटरनेशनली लोग आएंगे जो प्रभावित करने वाले लोग हैं, आके घुटने टेक कर बचाए जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से होगा, वचन के बीच से होगा, वचन को बिना तोड़े हुए होगा, बिना कलीसिया के आत्मिक और उनके स्पिरिचुअलिटी से पंगा लिए हुए बिना होगा, और होगा इन जीसस नेम, क्योंकि स्वर्ग में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। यहां एक रिक्शे वाला जो है उसकी वैल्यू भी स्वर्ग में वही है। आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए लाखों लोगों की स्पिरिट को दाव पर नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया। जीसस ने कहा अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी मैं बात करूंगा और किसी बात में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब है। वो किसी भी जगह जाते हों, वो हेवन चले जाएं, मेरी सेवकाई कंप्लीट है। हालेलुया।
अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया और मेरा विश्वास है दोस्तों आपको इस वीडियो को देख करके बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपसे दोस्तों कोई भी बात छुपी नहीं है। चर्च बनाने के नाम पर 25,000 रुपए लिए गए, तेल पानी बेचा गया, लेकिन अभी तक मुझे वो चर्च कहीं बनती हुई नहीं दिख रही है। अंकु नरला मिनिस्ट्रीज में भी चर्च बनी है और सबको पता है वो बनकर तैयार हो चुकी है, अभी भी उस पर काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रोफेट बिंदर सिंह का ऐसा कहना था अपने बयान में इस संडे की, तुम अपनी कलीसियाओं को देखो, मेरे पर दोष मत लगाओ, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। इस बात को लेकर के अंकु नरला जी ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली कि कलीसिया हमारी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। ये मैटर नहीं करता जो लोग मेरे पास आते हैं सिर्फ वही स्वर्ग में जाएं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास भी लोग आ रहे हैं वो भी स्वर्ग में प्रवेश करें। ये कोई बिजनेस नहीं है कि ये तुम्हारा है ये मेरा है, कलीसिया परमेश्वर की है। और उसके बाद अंकु नरला जी एक बात बोलते हैं कि जितनी एक सेलिब्रिटी की वैल्यू है उतनी ही एक रिक्शे वाली की भी वैल्यू परमेश्वर की नजर में है। स्वर्ग में जा करके ना तो सेलिब्रिटी छोटा होगा या बड़ा होगा, ना ही कोई रिक्शे वाला छोटा या बड़ा होगा, वहाँ पर सब एक समान है। अब दोस्तों उन लोगों की बात करते हैं जो इस बात को बोलते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया कि उनको बुलाया, जो एक्टर और एक्ट्रेस थी उनको बुला करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा किया। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक एक्टर के जीवन को बचाने के लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह जी लाखों हजारों लोगों की जिंदगियों को खराब कर सकते हैं? क्या उनको यह अधिकार है कि एक एक्टर को बचाने के लिए इतने लोगों को दांव पर लगा दें? जो बातें उन्होंने बोली, जैसा अंकु नरला जी बोल रहे हैं इस वीडियो में भी, वो शब्द के द्वारा बोली और शब्द से ही परमेश्वर का आत्मा भी उतरता है और गलत शब्द से ही शैतान भी उतरता है। और जो गलत शब्द उन्होंने बोले उससे जो सामने खड़े लोग, जो कलीसिया है, वो दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होकर के जाए वहाँ से, ये कौन सी अच्छी बात है? आपने राखी सावंत को बुलाया, राखी सावंत की खुद की कितनी इमेज है आपको पता है? अभी थोड़े समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही इस्लाम को कबूल कर लिया था राखी सावंत ने, आपने उसको बुलाया है। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि बुलाना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का जीवन बच जाए। लेकिन राखी सावंत यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी एक लड़के के लिए अपने धर्म को छोड़ देती है, यीशु मसीह को छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर लेती है। आप ऐसी औरत को अपने स्टेज पर बुला करके क्या दिखा रहे हैं, क्या लोगों के अंदर मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए। और दोस्तों आपने इस वीडियो में भी सुना कि अंकु नरला जी भी इस बात को बोलते हैं, वो किसी भी जगह जाते हो मुझे लोगों की सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब है, वो किसी भी तरह स्वर्ग में प्रवेश कर जाए, सिर्फ यही मेरी सेवा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो एक्टर्स को बुलाने का जो चलन है, पता नहीं कैसे कैसे नेताओं को बुलाने का चलन है, मैंने कभी भी दोस्तों किसी और चर्च में तो नहीं देखा है। कुछ समय पहले भी हमें देखने के लिए मिला था कि खली को प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बुलाया गया था। क्या खली ने उसके बाद यीशु मसीह को ग्रहण किया? बिल्कुल भी नहीं। नेताओं को बुलाया गया, क्या उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया? बिल्कुल भी नहीं। आखिर अंकु नरला जी भी क्यों नहीं किसी एक्टर को, किसी भी नेता को बुलाते? इवांजलिस्ट रामबाबू भी किसी एक्टर को क्यों नहीं बुलाते? वो भी किसी नेता को क्यों नहीं बुलाते? और उसके बाद जो अंकु नरला जी सबसे बड़ी बात बोलते हैं, सबसे अहम बात जो मुझे लगी, कि हम किसी को बचाना चाहें, जैसे कई लोग बहाने दे रहे हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह भी बहाने दे रहे हैं कि ऐसे एक्टरों का जीवन बच जाएगा। अरे ऐसे कैसे एक्टरों का किसी का भी जीवन बच सकता है? बल्कि जिनके पास जीवन है, जो लोग चर्च में आ रहे हैं, उनका जीवन खराब हो जाएगा ऐसी गंदी और घटिया बातों को पुलपिट से सुनकर। और अंकु नरला जी ने भी इस बात का जवाब देते हुए बहुत जबरदस्त बात बोली कि अगर हमें किसी वेश्या को बचाना होगा तो जरूरी नहीं कि हम उसके साथ पहले सोएं, या किसी शराबी को प्रभु में लाना हो तो पहले हम उसके साथ बैठ करके शराब पिए। ये तो सरासर बेकार की बात हो गई। और जो विश्वासी ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हैं उनको भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, किसी को प्रभु में लाने का तरीका ये नहीं होता कि आप उसके साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाएं। जैसे हमने प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में देखा, वहां पर जो बॉलीवुड के एक्टर्स बुलाए गए थे उन्होंने खुलकर ड्रामा किया, खुलकर गलत बातों को बोला, गालियां दी, गंदे गंदे डायलॉग बोले। आखिर इन सब बातों की क्या जरूरत थी? और हद तो तब हो गई जब जो पीछे खड़े जो अपने आप को पास्टर बताते हैं कैमरे पर आकर के, वो हालेलुया और आमीन बोल रहे हैं ऐसी ऐसी गंदी बातों पर। आप खुद सोच सकते हैं क्रिश्चियनिटी को ये लोग कहां लेकर के जा रहे हैं। आजकल दोस्तों सेवकाई को लोगों ने बिजनेस बना दिया है। 25,000 रुपए लेते हैं प्रार्थना करने के, तेल पानी के 200-200 रुपए लेते हैं। अब लोग बोलेंगे चर्च के बहुत खर्चे हैं, तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा, जो चर्च में लोग दान देते हैं वो कहां जाता है? और दुनिया में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री नहीं है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं जहां पर 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए नहीं लिए जाते प्रार्थना के। वहां पर जो लोग अपने मन से दान देते हैं उससे सेवकाई को चलाया जा रहा है। क्या हम 25,000-50,000 रुपए लेकर के सेवकाई को चलाएंगे? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है? या हम 200-200 रुपए का तेल पानी, और अब तो मैंने सुना दोस्तों एप्पल भी बिकना शुरू हो गया है, रुमाल भी बिकना शुरू हो गया है, मतलब अब हमें ये सब बेचना पड़ेगा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई को चलाने के लिए? क्या परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ नहीं है कि वो अपनी सेवकाई को चलवा सके? ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई। लोग सोचते हैं कि हमें बड़ी चिढ़ मचती है उनसे। अरे अगर चिढ़ मचनी होगी तो हमें पॉल दिनाकरण से भी मचेगी। बाहर इतने बड़े बड़े
परमेश्वर के अभिषिक्त बैठे हैं, जॉइस मेयर हैं, बहुत जबरदस्त भीड़ है वहां पर, ना तो कोई चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं ना कुछ, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए वहां पर आते हैं। क्या आपको चिन्ह चमत्कार कभी स्वर्ग में ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन ले जा सकते हैं, परमेश्वर ले जा सकता है, परमेश्वर के वचन पर चलना ले जा सकता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, चिन्ह और चमत्कार को देख करके आप कभी भी ये चीज नहीं जान सकते कि कौन परमेश्वर का दास है और कौन परमेश्वर का दास नहीं है। आप उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा परमेश्वर का वचन खुद बोलता है। मत्ती 7:16 पढ़ सकते हैं जाकर। फिर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो वरन उसे परखो। और सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो आज तक नहीं लगता कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जो हैं कभी भी पुलपिट से खड़े होकर के परमेश्वर के वचन को सही से लोगों को बताते हैं। वहां पर जो मैंने सुना है सिर्फ भविष्यवाणियां और जो प्रोस्पेरिटी के बारे में, आप अमीर कैसे बनेंगे, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका घर कब आएगा, यही सब आपको बताया जाता है। वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका विश्वास पैसे के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, आपका पैसा आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, आपके खुद के काम आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप स्वर्ग में जाएंगे। घर, गाड़ी, बंगले से ज्यादा आपको यीशु मसीह को प्यार करना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है ये सब चीजें तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। वहां पर ये बातें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। बहरहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा, और अंकुर नरला जी की बातों पर आपका क्या सोचना है उसके बारे में भी जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष।